वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज वीडियोस देख रहे होंगे। तो आज जो है वो हम सर प्रशांत धवन की एक वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है इंडिया चेकमेट टू कनाडा एज पीएम मोदी इनवाइटेड बाइडेन टू रिपब्लिक डे एज गेस्ट। तो इस वीडियो को देखते हैं और एनपीएस के बारे में बात करते हैं। और इससे पहले अगर बात की जाए तो इंडिया और कनाडा के सारे रिलेशंस के बारे में हम काफ़ी वीडियोस पे रिएक्ट कर चुके हैं जिसमें हमें काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी और कुछ अच्छे रिलेशंस भी शुरू में देखने को मिले थे। तो इस सारी सिचुएशन को लेकर हमने सर मेजर गौरव आर्या की, सर प्रशांत धवन की इन सब की वीडियोस देखी जिससे हमारे इंफॉर्मेशन मिली कि क्या क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम इंडिया और कनाडा को लेकर। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में इंडिया ने जो किया है इसको आप एक जियोपॉलिटिकल चेकमेट कह सकते हैं। नाउ इंडिया और कनाडा के बीच में आज के समय एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस चल रहा है। खालिस्तान सपोर्टर की डेथ के बाद आपको पता होगा कनाडा के पीएम ने इंडिया पे आरोप लगा दिए। उसके बाद लगातार दिन भर दिन हम देख रहे हैं कि कनाडा इंडिया के रिलेशंस बदतर होते जा रहे हैं। नाउ इस बीच ना सारी नजरें थी यूएसए पर कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहां पर क्या करता है, क्योंकि यूएस और कनाडा एलाइज हैं, यूएस और इंडिया पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स और एलाइज में काफी बड़ा फर्क होता है। मगर हम बात अगर करें जरूरत की तो आज के समय यूएस को जियोपॉलिटिकली इंडिया की ज्यादा जरूरत है कंपेयर टू कनाडा। तो यूएस का यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स होगा और अगेन यूएस के रिस्पॉन्स को लेकर ना सिर्फ इंडिया और कनाडा, इवन चाइना काफ़ी इंटरेस्टेड था। चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है उन्होंने इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश किए कि जो एस्केलेटिंग इंडिया कनाडा स्पैट है ये हाईलाइट करता है यूएस की हिपोक्रेसी। बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में चाइना के सरकारी मीडिया ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि यूएस एम्बेरेस्ड है, यूएस को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, किस तरीके से मीडिएशन करे कनाडा और इंडिया के बीच में, कैसे दोनों कंट्रीज को वापस एक पीसफुल पाथ पे लाया जाए। नाउ कनाडा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, ये कई रिपोर्ट्स इस पर आ चुकी है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने यूएस गवर्नमेंट को अप्रोच किया और ये कहा कि आप खुल के निंदा करिए इंडिया की और आप अगर निंदा करोगे तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाकी जो देश हैं वो भी फॉलो करेंगे, हम सब मिलकर इंडिया की निंदा करते हैं। बट यूएसए ने कनाडा को मैक्सिमम ये कहा कि देखो हम ये कहेंगे कि हम कंसर्नड हैं, उसके आगे हम इंडिया के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा बोलने नहीं वाले। अभी रिसेंटली भी आप अगर देखो तो जो यूएसए के एम्बेसडर हैं टू इंडिया एरिक गार्सेती, इनसे जब पूछा गया कि गार्सेती साहब आपका क्या मानना है कि आप इंडिया की साइड हो कनाडा की साइड हो, आपका बेसिकली अभी स्टांस क्या है बिटवीन दिस डिप्लोमेटिक क्राइसिस, तो इसके जवाब में इन्होंने ये कहा कि कनाडा इज़ ए डियर फ्रेंड पार्टनर एंड एलाई एंड हैपन्स टू बी आर नॉर्दर्न नेबर, क्योंकि कनाडा यूएस के नॉर्थ में है। आगे की लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, वी केयर डीपली फॉर कनाडा जस्ट एज वी केयर डीपली फॉर इंडिया। ये बात उन्होंने साफ साफ बोल दी कि मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम एक लखन, दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी कंट्री को ये नहीं कह सकते कि कनाडा सिंस हमारा नेबर है तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ द कंट्रीज आर डीपली इंपॉर्टेंट फॉर अस। और आगे ये ऐड कर दिया कि बिफोर एनीबॉडी लीव्स टू जजमेंट, घूम फिर के ना ऐसा जो भी आंसर आप देखोगे यूएस की तरफ से एंडिंग उसकी ऐसे ही होती है कि जजमेंट पर अभी कूदना नहीं चाहिए, अभी इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि कनाडा में जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं पीएर, वो भी सेम बात कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने बस एक स्टेटमेंट दी है, कोई फैक्ट नहीं दिया। तो यूएस का ये स्टांस था। अब इसके बाद इंडिया ने एक जियोपॉलिटिकल चेकमेट ये खेला यूएस को ऑफिशियली ये कहकर कि आपके प्रेसिडेंट जो बाइडन, इन्हें हम इनवाइट करते हैं रिपब्लिक डे परेड के लिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस टॉपिक से रिलेटेड आपको आर्टिकल दिख जाएगा, पीएम मोदी इनवाइटेड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड। ये बात कंफर्म करी है अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया ने। नाउ एक बात यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि ये इनविटेशन ऐसा नहीं है कि रिसेंटली इंडिया ने भेजा यूएसए को, ये इन्विटेशन हमने G20 समिट के दौरान भेज दिया था। ये वही G20 समिट है जहां पर सबसे पहले ट्रूडो ने ये जो खालिस्तानी लीडर की डेथ है उसका इशू पीएम मोदी के साथ रेस किया था। समिट के बाद जब ये वापस कनाडा में गए फिर अपने पार्लियामेंट में इन्होंने जो स्टेटमेंट है इस पर ये दे दी। बट इंडिया की फोरसाइट आप देखिए कि जो बाइडेन को बिल्कुल सही टाइम पर हमने इन्वाइट कर दिया। और इससे देखिए होगा क्या कि कोई भी अगर डाउट है कि इंडिया कनाडा रिलेशंस के ख़राब होने से इंडिया के रिलेशंस वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ख़राब हो जाएंगे, ये सारा डाउट हट जाएगा।
ऑलरेडी हमने देखा है कि यूके की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी है कि यूके इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत है वो इंडिया कनाडा रिलेशंस ख़राब होने से उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इंडिया यूके अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात प्रॉपरली आगे बढ़ाते रहेंगे। और इसको हम एक प्रॉपर जियोपॉलिटिकल चेकमेट इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इंडिया ना सिर्फ जो बाइडेन को होस्ट करेगा, इंडिया साथ ही साथ एक प्रॉपर क्वाड समिट को भी होस्ट करेगा। क्वाड समिट आपको बता होगा लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में होना था, हो नहीं पाया, जो बाइडेन ने लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिए अपने प्लान्स, वो सीधा चले गए जापान में, जापान में मीटिंग हुई मगर एक प्रॉपर क्वाड समिट नहीं हो पाया। तो अभी प्लानिंग ये चल रही है कि 26 जनवरी की जो परेड है उसे US प्रेसिडेंट अटेंड करेंगे। अगेन मुझे हमेशा हंसी आती है जब भी कोई US प्रेसिडेंट इंडिया की रिपब्लिक डे परेड अटेंड करता है। लास्ट टाइम मुझे याद है बराक ओबामा ने ये रिपब्लिक डे परेड अटेंड करी थी। US प्रेसिडेंट को बिठा के ना इतने सारे रशियन वेपन्स उनके सामने हम दिखाते हैं, आई मीन लिटरली S-400 ब्रह्मोस सुखोई के फाइटर जेट, इतना सारा रशियन डिफेंस इक्विपमेंट US प्रेसिडेंट के सामने से गुजरेगा, इट इज़ ऑलमोस्ट फनी। बट इंडिया का प्लान यहाँ पर यह है कि 26 जनवरी को जैसे ये परेड होती है उसके बाद 27 जनवरी को ना जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो लीडर्स हैं उनको भी इनवाइट किया जाए और फिर उसके बाद 27 जनवरी को एक प्रॉपर क्वाड समिट होगा भारत में। इंडिया एक प्रॉपर मैसेज सेंड करेगा दुनिया में किसी भी कंट्री को, चाहे कनाडा हो चाहे चाइना, कोई भी कंट्री हो जिसको डाउट हो रहा है कि रीसेंट डेवलपमेंट की वजह से क्वाड कमज़ोर हो जाएगा, इंडिया के रिलेशंस जो है US के साथ वो कमज़ोर हो जाएंगे, तो वो सारे डाउट्स बिल्कुल हट जाएंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी बाकी है। एक मुझे डाउट थोड़ा ये है कि बाइडेन की अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो प्लान्स थोड़े बहुत बदल सकते हैं, बट ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जिस तरीके से लास्ट टाइम आपको याद होगा नमस्ते ट्रंप टाइप का एक इवेंट हुआ था, तो नमस्ते बाइडेन टाइप का भी कोई इवेंट होगा या नहीं होगा देखना होगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स निकल के आएंगी, मैं उनसे रिलेटेड आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बाद में ले आऊँगा। इस तरह से ऑलमोस्ट हम काफ़ी ज़्यादा इन वीडियोस के बारे में देख चुके हैं कि इंडिया और कनाडा के साथ जो भी रिलेशन से ट्रेडिंग रिलेशंस बेसिकली उनमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, और उस कन्फ्लिक्ट के रीज़न ये है कि जो सिख सोसाइटी सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे कनाडा में, उनमें जो है वो हरदीप सिंह निजार, उनको जो है वो मर्डर कर दिया गया, और उनका कहना है कि जो मर्डर हुआ है वो किसी रॉ के एजेंट जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं उन्होंने ये काम किया है, जबकि वो ये बात कर रहे हैं लेकिन एज सच वो इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं दे रहे। और जिस तरह से हमने इनकी फीमेल फॉरेन मिनिस्टर का भी एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि वी विल सीक द ट्रूथ एंड वी विल प्रोटेक्ट द कैनेडियंस, तो अगर वो ये बात कर रही हैं कि वो सच की तलाश में हैं तो उन्हें चाहिए था कि अगर वो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रेस कर भी रहे हैं तो वो उसका प्रूफ के साथ जो है वो उस बात को करते, क्योंकि किसी भी आप जब किसी चीज़ से रिलेटेड किसी के ऊपर एलिगेशन या कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, आपको कोई प्रॉपर एक लीगल एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह इस सारी सिचुएशन में कनाडा के पास अभी तक एज सच कोई प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ अपने जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऐसे पास कर रहे हैं, और इस सारी वीडियो में हमने देखा कि कैसे US से जो है वो इन बिटवीन है कि वो कनाडा को सपोर्ट करें या इंडिया को सपोर्ट करें, क्योंकि उनके दोनों के साथ ही अच्छे रिलेशंस हैं। और जैसे कि इनकी हमें एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देखने को मिली जिसमें उन्होंने कहा कि दे आर डीपली कंसर्न फॉर इंडिया एंड कनाडा, तो वो जाहिर सी बात है कि अगर आपके इतनी देर से किसी के साथ रिलेशंस हैं तो आप किसी एक चीज़ की बेस पे या किसी एक बात की बेस पे या किसी दूसरी कंट्री की बेस पे आप वो रिलेशंस ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका एक इतना अच्छा टाइम पीरियड गुजरा हुआ है तो आप किसी भी चीज़ की बेस पे उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। और जिस तरह उन्होंने बात की और बताया कि किस तरह से इंडिया के साथ उनके फ्यूचर में भी कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे और इंडिया के साथ उनकी काफ़ी कमिटमेंट्स वगैरह हैं, इसी तरह कनाडा जो है वो उनके नेबरिंग कंट्रीज़ में आता है और कनाडा के साथ उनके ट्रेडिंग रिलेशंस वगैरह स्ट्रॉन्ग हैं, तो कनाडा के साथ भी वो अपने रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर हम देखें इन दो कंट्रीज़ में से, तो अगर USA इन दोनों कंट्रीज़ में से किसी एक को चूज़ करता है तो ऑब्वियसली इंडिया के हक में जो है राय देना वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जिस तरह हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड की लिस्ट में इंडिया अभी टॉप 30 कंट्रीज़ में आता है, और जिसे कहते हैं हेरिटेज के लिहाज से और काफ़ी दूसरी चीज़ें भी जो इंडिया में टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ रही है,
तो फ्यूचर में काफ़ी इंडिया की जो है वो इम्पोर्टेंस बाकी कंट्रीज़ की निस्बत ज़्यादा होगी। होप्स हो कि जो भी कन्फ्लिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं यूएसए कनाडा और इंडिया के दरमियान उनको जल्द ही जो है वो ओवरकम कर लिया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली तौर पर भी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के आपस में रिलेशन को शो करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरह 26 जनवरी को जो है वो एक रिपब्लिक डे पर जो बाइडन को भी बुलाया जाएगा और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जापान और इन सब से रिलेटेड जो है वो मीटिंग की जाएगी, और ये सारी डिस्कशन होने के बाद 27 जनवरी को जो है वो कोई डिसीजन लिया जाएगा या बात की जाएगी कि किस तरह आगे आने वाले दिनों में क्वाड को स्ट्रॉन्ग किया जाए। बाकी इस हवाले से मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।